बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके चैप्टर नंबर 13 से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रोल ऑफ स्केलेटन। इससे पहले हमने बड़ी डिटेल के साथ स्केलेटन को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और उसमें हमने स्केलेटन के जो एक्सियल स्केलेटन था उसके अंदर जो बोन्स थी उनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन था उसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, स्केलेटन को अगर देखें हम तो ये आपको सपोर्ट्स आपकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। फ्रेमवर्क है हार्ट स्ट्रक्चर, यानी हार्ट स्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क है। देखें, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी एक बाकायदा शेप जो है ये स्केलेटन की वजह से। इसके मुकाबले में देखें आप डिफरेंट जो आपके जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, जैसा कि डिफरेंट इंसेक्ट को देख लें, कीचवे को देख लें, तो वो देखें रिंग रहा है, उसकी एक डेफिनेट शेप नहीं है। जिस तरह के मैं खड़ा हूँ, मेरी एक शेप डेफिनेट शेप है और मुझे एक सपोर्ट मिल रही है, तो ये स्केलेटन है, इसकी वजह से मैं खड़ा हूँ, सीधा डायरेक्ट खड़ा हूँ और मैं तेज मूवमेंट कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोशन हो रही है, तो ये तेजी से मैं एक जगह से जाना, जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं देखें इनकी मूवमेंट कितनी तेज होती है एज कम्पेयर टू एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये सारा को सारा जो है ये स्केलेटन का है। तो आज हम इसी का जो है मतलब स्केलेटन का रोल जो है उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या रोल है स्केलेटन का। एक मूवमेंट ही नहीं है, इसके और भी बहुत से डिफरेंट काम जो है यानी वो परफॉर्म कर रहा है स्केलेटन। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले ये मैंने आपके सामने बोर्ड पर जो है, ये व्हाइट बोर्ड पर मैंने सारे जो है इसका रोल है जो आपकी बुक के अंदर था वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले देखें, द स्केलेटन फॉर्म्स द हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड गिव्स अ डेफिनेट शेप। जितना भी हार्ट स्ट्रक्चर है, ये फ्रेमवर्क है, हमने पहले डिस्कस किया, ये हार्ट स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क है, फ्रेम है। तो ये देखें हार्ट स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी और जो एक फ्रेम है, हार्ट स्ट्रक्चर भी है हमारी बॉडी का, ये स्केलेटन की वजह से, और जो एक डेफिनेट शेप जो है तो ये भी एक स्केलेटन की वजह से, यानी स्केलेटन हमें एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है और जो हार्ट स्ट्रक्चर है हमारे जिस्म का वो स्केलेटन की वजह से है। दूसरा अगर देखें तो देखें, द स्केलेटन मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स हैंड लेग्स पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल हेल्प इन मूवमेंट। तो ये जितने भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट आपने पहले पढ़ा है कि ये जो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जो बॉडी की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, या जो हम डिफरेंट ऑर्गन की पोजीशन, ये देखें मैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये मूवमेंट है, और इस तरह देखें मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो ये लोकोमोशन है, यानी मैं पूरी होल बॉडी की यानी जो प्लेस टू प्लेस ये मूवमेंट हो रही है, तो ये लोकोमोशन है, एक जगह से दूसरी जगह होल बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो ये लोकोमोशन है। तो ये सारी की सारी स्केलेटन की वजह से है। क्यों, कैसे, हमारे जो मसल्स होते हैं हमने पढ़ा है उसकी टाइप्स जो है आगे डिटेल के साथ फिर पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स होती हैं कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो आपके स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। तो हड्डियों के सिरे के साथ जो आपके मसल्स टेंडन्स बोलते हैं, तो वो जो अटैच होते हैं, जैसा अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये मसल जो है मेरे यहाँ पर अटैच हैं, तो अब ये मसल जो है इसका ये सर देखें, ये मुतहरक हड्डी है, इस मूवमेंट है इसके साथ अटैच है, तो ये इंसर्शन और ये इसका जो स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओरिजिन इसका। तो ये टेंडन्स जो होते हैं ये हड्डियों के साथ अटैच होते हैं और एक लीवर की तरह इनकी मूवमेंट हो रही है। अब देखें इनकी कंट्रेक्शन हो रही है स्केलेटल मसल की, इनकी कंट्रेक्शन की वजह से बाजू पीछे की तरफ आ रहा है, ये वाले रिलैक्स हो रहे हैं, ये वाले कंट्रैक्ट हो रहे हैं, बाजू आगे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह ये स्केलेटल मसल जो है, जो आपके मस्कुलर सिस्टम है, इसका इंतहाई अहम रोल है, और ये आपके स्केलेटन के साथ ये मसल्स मिलकर मूवमेंट में हमें मदद दे रहे हैं इनकी। तो क्या है, द मस्कुलर सिस्टम हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ मसल्स विद बोन, द बोन के मूव, जब बोन मूव करेंगे तो फिर हम भी मूव करेंगे। अब इसी तरह देखें ये जो आपके इसी तरह देखें हाइंड लिम्ब्स के जो मसल्स हैं अटैच हैं हमारे पेल्विक गर्ड के साथ अटैच है, हमारे फीट के साथ अटैच है, तो हमारी लेग्स के साथ अटैच है। तो अब इनकी मूवमेंट जब होगी तो ये एक लीवर की तरह काम कर रहे हैं, इनकी कंट्रेक्शन की वजह से मूवमेंट हो रही है, और जब ये मूव करेंगे तो हम भी मूव करेंगे, तो इनकी मूवमेंट की वजह से हो रही है, मसल्स की मूवमेंट की वजह से, और मसल्स अटैच है आपके स्केलेटन के साथ। तो इस तरह जो एम सबसे अहम काम है, सपोर्ट के बाद, आपके सहारे के बाद, आपकी डेफिनेट शेप के बाद, वो सबसे अहम काम दूसरा जो है वो आपके मूवमेंट में है, यानी मूवमेंट में सबसे अहम किरदार है आपके स्केलेटन का, और ये किसके साथ मिलकर काम करें, मस्कुलर सिस्टम, और कौन से मसल हैं जो आपके स्केलेटन मसल्स हैं, ये हैं, इनका सबसे अहम रोल है आपकी मूवमेंट में। इसी तरह अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन,
इंतहाई अहम ऑर्गन है आपका और जुदा वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। आप देखें स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन आपकी वर्टेब्रल कॉलम कर रही है। इंतहाई अहम नर्वस सिस्टम का इंतहाई अहम ऑर्गन है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से और इसकी प्रोटेक्शन आपकी स्कल कर रही है, इंतहाई अहम ऑर्गन है। और इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है सारी पैगाम रसानी जो है आपकी ब्रेन तक पहुंच रही है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड और इसकी प्रोटेक्शन आपकी वर्टेब्रल कॉलम कर। तो अगर हम देखें ये आपकी स्कल होगी, आपका वर्टेब्रल कॉलम हो गया, आपकी जो रिब केज होगी, तो ये सारे आपके एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है। तो एक्सोस्केलेटन का सबसे अहम काम अगर हम देखें तो वो आपके डिफरेंट इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं और इंतहाई है, जैसे कि आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड, तो इनकी प्रोटेक्शन जो है वो आपके एक्सोस्केलेटन कर रहा है, जैसा कि स्कल ब्रेन की कर रही है, वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, और इसी तरह आपके लंग्स और हार्ट की प्रोटेक्शन कर रही है रिब केज, स्टर्नम को देखें, ये आपकी थोरेसिक कैविटी में वाकई, और थोरेसिक कैविटी आपको पता है आपकी स्टर्नम और रिब केजेस जो है उनसे बनी हुई है, और बैक साइड से ये वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच। और तो ये तो था, आप हमने देख लिया कि शेप, डेफिनेट शेप, सपोर्ट, मूवमेंट, लोकोमोशन और प्रोटेक्शन, ये काम हो गया किसका, स्केलेटन का। नेक्स्ट अगर देखें इंतहाई एम जो आपका ब्लड है और ब्लड आपका मुश्तमिल है किस पर मुश्तमिल है, रेड ब्लड सेल पर, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तो ये पैदा हो रहा है बोन मैरो के अंदर, और बोन मैरो कहाँ होती है, इनसाइड द बोन, यानी आपके बोन के अंदर देखें आपकी, तो इस तरह बोन के अंदर जो है वो क्या है, बोन मैरो है, और बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहा है आपका सारा ब्लड और उसकी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब अगर एक आदमी को ब्लड कैंसर हो गया तो उसका इलाज क्या है, नॉर्मल जो है उसकी ग्रोथ हो रही है ब्लड सेलों की, तो क्या हो रहा है जब ब्लड सेल्स जो है वो एबनॉर्मल उनकी ग्रोथ होगी तो फिर उसको ब्लड कैंसर हो जाते हैं, तो उसका क्या करते हैं, फिर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो देखें ये बोन मैरो कहां पर है, ये बोन्स के अंदर पाया जाता है। तो ये सबसे अहम काम, इंतहाई अहम काम देखें स्केलेटन का, कि बोन जो आपका ब्लड है सारा काम ट्रांसपोर्ट का जितना है वो किसके जरिए हो रहा है, ब्लड के जरिए हो रहा है, और वो ब्लड कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो प्रोड्यूस हो रहा है बोन मैरो से। तो ये इंतहाई अहम फंक्शन है आपका स्केलेटन का। नेक्स्ट अगर देखें तो बोन स्टोर मिनरल साल्ट, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, दिस इज द रीजन व्हाई बोन्स रिमेन हार्ड एंड स्ट्रांग। देखें जितने भी आपके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, वो कहाँ पर स्टोर है, वो आपके बोन्स के अंदर स्टोर है, और इसी वजह से बोन का स्ट्रक्चर भी हार्ड है। तो एक हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से हमें ज्यादा जो है जितनी ज्यादा मजबूत होगी बोन इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो ये देखें ये किस वजह से है, ये स्ट्रांग बोन्स किस वजह से, कि उनके अंदर जितने भी आपके मिनरल्स साल्ट और बोन्स इसके अंदर स्टोर है, और ये सारे का सारा जो है ये हमने पढ़ाया, ये रोल ऑफ स्केलेटन था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो आपके जॉइंट बनते हैं हड्डियों के मिलाप से, टू आर मोर बोन्स के जो है वो उनका मीटिंग पॉइंट पे होते हैं, वो जोड़ होते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जोड़ और फिर इस तरह उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस किस्म की टाइप्स जोड़ की, तो ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।